हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका माय हेल्प केयर यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों के साथ मैं हूँ राज वर्मा। दोस्तों आज प्ले स्टोर पर एक ऐसा एप्लीकेशन आपको दिखाने वाला हूँ जिसे देखकर आप कहेंगे कि ऐसा एप्लीकेशन कैसे हो सकता है, ये आखिर छोटा सा एप्लीकेशन ऐसा काम कैसे कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल एकदम कमाल का एप्लीकेशन है जिसे आपको यूज़ ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, और इस एप्लीकेशन को देखेंगे तो आप एकदम से ज़रूर यूज़ करेंगे, यूज़ किए बिना नहीं रह पाएंगे। तो एप्लीकेशन में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि जेनटेक्स में जाते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि जितने भी नंबर सेव हैं तो उसमें फ़ोटो कुछ ही में दिखाई देता होगा, सभी में फ़ोटो आपको दिखाई नहीं देता होगा। लेकिन दोस्तों एक एप्लीकेशन ऐसा है प्ले स्टोर पर जिस पर अगर आप जाके सिर्फ आप अपना नंबर डाल के रजिस्टर हो जाइएगा तो जितने कॉन्टैक्ट आपके फ़ोन में सेव है सभी में फ़ोटो दिखेगा और एकदम HD क्वालिटी का फ़ोटो दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है, ये कोई फ्रॉड नहीं है और ना ही स्कैम है, बिल्कुल ऐसा होता है। अब कैसे होता है, क्यों होता है, वो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाकर उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूं, तो वहां से भी जाकर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है कॉलर आईडी कॉलर डायलर, ऐसा कुछ नंबर लंबा सा इसका नाम है। तो खैर नाम जो भी हो हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन इसका काम वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही लाजवाब है और ये काम बहुत अच्छी तरीके से करता है। बस आपको इस एप्लीकेशन को सिंपली इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करने के बाद इसके अंदर में कुछ परमिशन है तो उसे मैं आपको बता देता हूँ कि क्या और कहाँ पर सेटिंग करना होता है। दोस्तों ये एप्लीकेशन पूरी तरह से काम करता है, आपको एक बार ज़रूर यूज़ करना चाहिए क्योंकि सभी फ़ोटो को ये एकदम HD क्वालिटी में आपको दिखला देगा। तो यहाँ से मैं इसे कर लेता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों, अगर कोई नंबर सेव करना चाहते हैं तो पहले ही सेव कर लीजिएगा और उसके बाद इस एप्लीकेशन के यूज़ कर सकते हैं। तो नीचे में गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है तो उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इसे अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद फिर से यहाँ पर अलाउ बोल रहा है तो सभी को यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे आपको नंबर डालना है, एक नंबर डाल के आपको यहाँ पे रजिस्टर हो जाना है। तो मैं यहाँ पे अपना नंबर डाल देता हूँ, और नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे एक OTP आएगा और अपने आप यहाँ पे ये रीड कर लेगा। इतना ध्यान रखिएगा कि आप जो भी नंबर डालिएगा वो इसी मोबाइल फ़ोन में रहे तभी आपको काम करेगा, जिस मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हैं उसी में रहना चाहिए। तो इसके बाद बस कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद थोड़ा बहुत परमिशन मांगेगा तो उसे आपको अलाउ कर देना है। तो ये यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए मेरा फ़ोटो यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली कैच कर लिया, तो ये मेरा फ़ोटो फेसबुक से कैच किया है। तो खैर जो भी हो, तो यहाँ पे मैं दिस इज मी करके आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों जो भी फ़ोटो यहाँ से कैच किया जाता है, या तो उसका ट्विटर अकाउंट पर, फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप, या फिर कहीं भी आप बोल सकते हैं कि सोशल नेटवर्क पर अगर किसी का फ़ोटो है तो इसे यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके इस एप्लीकेशन में ला देता है। तो मैं यहाँ नेक्स्ट करता हूँ, फिर से नेक्स्ट करने बोल रहा है तो कर देता हूँ, और एक बार और नेक्स्ट करने बोल रहा है तो कर देता हूँ। यहाँ पे दो एप्लीकेशन यहाँ पे दो परमिशन आपसे बोला जा रहा है कि इसे कर दीजिए आप यहाँ से ऑन। तो मैं यहाँ ओके करता हूँ। ओके करने के बाद अलाउ परमिशन लिखा हुआ उसे भी कर देता हूँ सही, और नीचे में इग्नोर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन नहीं तो इसे भी कर देता हूँ, थोड़ा अच्छे तरीके से काम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद अब असली काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। देखिए दोस्तों, जितने भी फ़ोटो जिसमें फ़ोटो नहीं दिखा रहा था, अब देखिए सारा फ़ोटो को यहाँ पे कैच कर रहा है, इस तरह से घूम रहा है और फ़ोटो बनते जा रहा है। देखिए इतना फ़ोटो ऊपर में सारा फ़ोटो आ चुका है जिसमें कि मेरा फ़ोटो भी नहीं था, सब अपने देखिए घूम घूम के अपने आप आ जाएगा। मैंने CC करके ऐसे कुछ नाम सेव किए हुए हैं, कुछ मेरे दोस्त लोग के, कुछ अनजान लोगों के भी नाम है जो कि मैं सेव कर लिया था। तो देखिए सारा नाम इस तरह से घूमेगा और घूम घूम के उसमें फ़ोटो आता जाएगा, टोटल जितने भी कॉन्टैक्ट्स आप में सेव हैं, और पूरा HD क्वालिटी का इसमें फ़ोटो आएगा। ऐसा नहीं कि कोई ख़राब फ़ोटो आ जाएगा, थंबनेल तरह का फ़ोटो इसमें नहीं आता। जैसे ये फ़ोटो है एक छोटा सा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो अगर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो इसका पूरा डिटेल आ जाएगा। आप इसमें फ़ोन भी कर सकते हैं, इन्हें कॉल कर सकते हैं, और यहाँ पर ऊपर में एक फ़ोटोज़ लिखा हुआ है तो ऊपर में जो फ़ोटोज़ लिखा हुआ है उस पर अगर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से यहाँ पे उनके जितने भी फ़ोटो हैं उनसे रिलेटेड वो सारा फ़ोटो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब कि वो तो दिख ही रहे हैं, साथ में उनका जितना फ़ोटो है वो सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो वाकई में दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही कमाल का है और बहुत ही अच्छा तरीके से काम करता है एप्लीकेशन। किस तरह का कोई यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि झूठ नहीं बोल रहा है और ना ही किस तरह से स्कैम कर रहा है, एकदम रियल फ़ोटो यहाँ पर ला कर देता है। यहाँ पर देखिए, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इन्हें, और कॉल भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, यहीं से आपको ऑप्शन मिल जाता है। खैर वो सब ऑप्शन तो हर किसी में रहता है, लेकिन यहाँ फ़ोटो देखने का बात आता है तो आप इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं और आसानी से किसी भी लोगों का फ़ोटो देख सकते हैं। अगर अनजान नंबर भी है तो उसे अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए, सेव करने के बाद आप उसे इस एप्लीकेशन में जाके देख सकते हैं कि आखिर वो कौन है, क्योंकि आज का ज़माना तो ऐसा हो चुका है दोस्तों कि हर किसी का कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर अकाउंट ज़रूर होता है और उनका फ़ोटो ज़रूर वहाँ पर रहता है।
तो खैर जो भी हो दोस्तों, आपको एक बार इस एप्लीकेशन को ट्राई करना चाहिए। अब आप बताइए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई ट्रिक्स के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।